दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए स्ट्रीट फूड वाली चाट देख सकते हैं, एकदम घर पर तैयार करके हम बता रहे हैं आपको। सेम वैसा ही सेटअप हमने लगाया है जैसा साठ ठेले पे लगता है। इसे कैसे बनाना है, इसमें कौन कौन से मसाले ऐड होते हैं, वो स्वाद कैसे आता है, सब कुछ बताया है। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है वाइट मटर ले लिए हैं, ये देखिए जो पानी पूरी वाले जो रगड़ा में यूज़ करते हैं वो वाले हैं। तो ये एक किलो के करीब हैं, हम यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी में बना रहे हैं 60। तो आपको जितना चाहिए उतना आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले इस मटर को जो है हम लगभग 8 घंटे के लिए जो है भिगो कर रखेंगे, तभी ये अच्छी तरीके से जो है पूरे भीग जाएंगे। अच्छे से पानी डाल के भिगो दीजिए ताकि ये बढ़िया भीग जाए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, जो बटाने हमने भिगो के रखे थे लगभग 8 घंटे हो गए हैं, और वो जो अच्छे से भीग चुके हैं बटाने, ये देखिए। तो अभी हम इनको जो है उबालने के लिए रखना है, तो इनको हम प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने तक अच्छी तरीके से उबाल कर लेंगे। साथ ही साथ इसके साथ में हम 4-5 आलू डाल देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरीके से जो है उबल जाएंगे। आलू को भी हमें उबाल कर लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जो है चाट के लिए पूरी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मैदा लिया है 250 ग्राम, इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, और थोड़ा इसमें आएगा तेल, तो थोड़ा तेल ऐड कर देते हैं बस। और अब हम इसका जो है अच्छा सख्त डो लगाकर तैयार करते हैं, फिर इसके हम जो है गोल गोल पूरियां तलेंगे। चाट के लिए जो पूरी आती है ना, जो हल्की कड़क और एकदम कुरकुरी होती हैं और खस्ती होती हैं, वो वाली। इस तरीके से जो लोई लेना है और इसको पतला बेल देना है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर जो है लहसुन वाली चटनी तैयार कर लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छी लगेगी वो इसके साथ में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लहसुन ले रहा हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़े से हम लेंगे टमाटर, अब इसमें मसाले आएंगे। ये आ गया चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये नमक, ये मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, और साथ ही में यहाँ पर खट्टेपन के लिए नींबू का रस ऐड कर देते हैं। अब हम इसको जो है पीस कर लाते हैं। तो ये पूड़ियाँ यहाँ पर हमने सभी चाट पूड़ी जो है बेल कर तैयार कर दी हैं, और अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है छेद कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इसको जो है फ्राई करके ले लेते हैं। तो चाट पूड़ी यहाँ पर जो है फ्राई कर रहे हैं हम, छोटी वाली कढ़ाई में ही कर रहे हैं क्योंकि कम ही है इसीलिए। तो फ्राई करके ले लेते हैं हम इसको। तो चाट पूड़ी को दोस्तों ज़्यादा गहरा कलर नहीं करना है, हल्का क्रीम कलर जो ये आ जाएगा ना तो ये फ्राई हो गई ऐसा समझो आप, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है कुरकुरी हो जाती है। तो ये पक गई है, हमने यहाँ पर निकाल लिया है बाहर, और बहुत ज़्यादा खस्ती है ये। तो ये लहसुन वाली चटनी भी तैयार हो गई है बढ़िया, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने हमारी जो है सेटअप लगा दिया है चाट सेंटर। तो आपको एक एक करके सामग्री पूरा दिखाता हूँ, फिर हम चाट तैयार करेंगे। तो ये बड़ा तवा है यहाँ पर जो है हम पहले अभी रखा है, उसके बाद उस पर हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने बारीक प्याज कट करके लिया है, साथ ही में ये है खीरा काकड़ी, इसको बारीक करके ले लिया है कद्दूकस। आलू उबले हुए हैं, इनको भी हम चाट में यूज़ करेंगे। हरी मिर्च है, और ये चाट वाली
पापड़ी जो अभी अभी हमने तैयार किया आपको बताया है, पुदीना, हरा धनिया और ये ऑल मिक्स नमकीन, टमाटर, लाल चटनी, ग्रीन चटनी और ये वो लहसुन वाली चटनी जो हमने तैयार की है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर काश्मीरी और ये भुना हुआ जीरा पाउडर, ये चाट मसाला, आमचूर पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो ये पूरा सेटअप हमारा तैयार हो चुका है और अब हमारे चाट वाले अंकल वहाँ बैठेंगे और तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बड़े वाले टीस्पून से जो है 3-4 चम्मच ये तेल डाल दिया है हमने, तेल को थोड़ा गर्म आने देते हैं। ए चाट वाले आ गए भैया, चाट पूरी चाट लगा दी है भाई, जल्दी आ जाओ, अभी बोनी करनी है, चाट की पूरी है और अभी अपनी दुकान पे ना एकदम मस्त वैरायटी की चाट बन रही है। तो इसको मटर आलू की चाट कहते हैं और दिल्ली में बहुत ज़्यादा जगहों पर बनाई जाती है और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है मटर और आलू। और यहाँ पर हमने जो कचुम्बर में जो है ये कुकुम्बर लिया है, काकड़ी, प्याज और मैंने जो सब आपको बताया। और एक ये जो है चाट पूरी होती है, ये बहुत खस्ती होती हैं और इसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको खाने में स्वाद अच्छा आएगा। तेल गरम आ गया है, ये सबसे पहले जीरा डाल दिया, थोड़ी हरी मिर्च, प्याज, प्याज थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, इनको बढ़िया तरीके से हमें पकाना है पहले। तो ये प्याज यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरीके से भून लिया हमने, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आलू ऐड कर देते हैं हम और आलू को भी हमें बढ़िया तरीके से जो है पकाना है और अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मसाला जो है पूरा मिक्स होके बारीक हो गया है। अब यहाँ पर बटाने जो हमने उबाल कर रखे थे पूरा इस पर ऐड कर देते हैं हम। और इनको करते हैं बढ़िया मिक्स। अब दोस्तों देखिए वटाने आ गए ना, अब हमारा जो चाट बनेगा ना काफ़ी अमेजिंग बनेगा और धीरे धीरे आप देखते जाइए इसके अंदर और भी ढेरों मसाले हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मसाला डालेंगे, ये हल्दी पाउडर आ गया यहाँ पर, ये धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, जीरा पाउडर, स्वादानुसार तीखा मीठा जैसा करना हो उतनी मिर्ची डाल दे। ऐड हो गए, अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं बढ़िया। तो ये बढ़िया तरीके से जो है पूरा मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर दोस्तों पानी ऐड करेंगे। तो हम पानी ऐड कर लेते हैं। और अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से घोट कर ले लेंगे ताकि जो वटाने हैं वो सब टूट जाएंगे, तो फिर स्वाद थोड़ा और अच्छा आएगा और खाने में भी आपको मज़ा आएगा और रगड़ा अच्छा बनेगा। और रगड़े के अंदर जो एक लेयर बनेगी और एक जो स्वाद और इसका जो मिक्सिंग होगा ना, तो इसका जो गाढ़ा अच्छापन आएगा इस तरीके से करने से। तो
कैसा लग रहा है आपको हमारा आज का चाट का ठेला? कमेंट करना, लाइक करना और ऐसी और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे। अभी जो बन रहा है, थोड़ी देर में हमारी बच्चा पार्टी आएगी, पूरा लूट कर ले चली जाएगी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बनाकर खिलाने में और खाने में। आपको कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करना। वैसे आपके रेगुलर कमेंट हमारे आते रहते हैं तो हम पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। तो दोस्तों अभी फाइनली यहाँ पर ये एक मसाला रह गया हमारा, इसमें आलू, ये लहसुन वाली चटनी है वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका स्वाद और डबल हो जाएगा। तो ये लहसुनदार चटनी, इसको कर लेते हैं बढ़िया मिक्स। तो इस तरीके से हमारी चाट का जो है सभी मसाले इसमें हमने ऐड कर दिए और लगभग पूरी तरीके से जो चाट बनकर तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे मिक्स करना है खाली और फिर हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारी आलू मटर चाट रेडी हो चुकी है। चलिए बच्चों को बुलाते हैं, चाट आपके साथ मैं सर्व करता हूँ। सबसे पहले एक प्लेट आप लोगों के लिए बनाकर तैयार करता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पर चाट रेडी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड कर ले रहे हैं। और पुदीना, ये पुदीना ऐड हो गया। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं पहले। देखिए ये देखिए हमारी जो चाट है वो बनकर तैयार। सबसे पहले एक प्लेट तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए ये वाली पूड़ी ली है, ये वाली, इसको थोड़ा हम इस तरीके से तोड़ कर लेते हैं, दो ले लेते हैं। ये देखिए एक और, ये हो गई। अब हमारी चाट बने के तैयार। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम जो ये रगड़ा ऐड करेंगे इस तरीके से। ये रगड़ा ऐड हो गया। अब हम इसके ऊपर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले ये धनिया पाउडर हाथ से ऐड करते हैं, अच्छा होगा। ये धनिया पाउडर, ये नमक, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, ये आमचूर पाउडर, चाट मसाला और अब यहाँ पर जो है चटनी आएगी, ये ग्रीन चटनी है इस तरीके से। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये रेड चटनी भी ऐड कर देते हैं। हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है दोस्तों नमकीन ऐड करेंगे। नमकीन ऐड हो गई। अब इधर आइए, यहाँ से हम प्याज ऐड करेंगे और यहाँ से हम ये खीरा ऐड करेंगे। तो ये फाइनली जो है चटनी हमारी, जो चाट है, बनकर तैयार। अब यहाँ से हम इसको खाने के लिए, आप चम्मच से भी खा सकते हैं, यहाँ पर हम ये जो चाट पूड़ी है हमारी इसकी मदद से भी इसको हम खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हो गया। अब हम, आप चाहो तो इसको पूरा जो है इस तरीके से मिक्स कर लो इस तरीके से। इसके ऊपर आप अगर पसंद करते हैं तो दही भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जो है ये चाट की बाइट बनकर तैयार। ओके, तो इस तरीके से होती है दोस्तों आलू मटर की चाट। और अब हम बच्चों के लिए तैयार करते हैं। एक एक प्लेट है पूरी, तो
कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और इसे लाइक भी करना और शेयर करना। चम्मच तो ये तैयार हो गई। यहाँ पर प्लेट हमारी बच्चों के लिए, तभी बच्चों को दे देते हैं। सबसे पहले हमारी अड्डू, ले अड्डू दोनों हाथ से पकड़ बेटा, हाँ अच्छे से पकड़, गिराना मत, ठीक है, वहाँ जाके बैठ। हाँ सेकेंड, जा तू जा गुनू जा, तेरे को अर्जेंट बहुत है।